नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है प्रियंका ठाकुर फैमिली व्लॉग में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो रहा है 7 o'clock और आज जो है ठंडी ठंडी हवा चली हुई है सुबह ही। तो आ गए हम रोज़ की तरह मलगनी में चाय पीने। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय पी के, चाय का आनंद लेते हुए सुबह सुबह बालकनी में। तो चाय पी के मैं आ गई थी किचन में, उनके लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, अंडा भुजू और प्लेन परांठा। तो बहुत दिन हो गए थे, उन्होंने खाया नहीं है, तो उनके उनके लिए नाश्ता तैयार था। आज क्या बनना है, आज क्या बनना है? मिर्ची मुर्गा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय भोलेनाथ जी, जय शंकर नाथ जी। आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। हम मेरी माँ हैं। तो जी अभी बन रहा है मेरे बेटे का पराठा, तो इसके लिए बनाया मैंने पराठा। बच्चों को रहता है, अच्छा लगता है पराठा, सिंपल आलू का पराठा। उसको धनिया पत्ते नहीं पसंद है तो इसीलिए नहीं डाले मैंने। इसमें लगा रही हूँ मैं देसी घी जो गांव से आया हुआ है हमारे। देखिए एकदम मस्त, देसी घी के परांठे। तो आपका ब्रेकफास्ट फटाफट से कर लेना थी। एंजॉय बेटू, अच्छा लगा आपको? खा लोगे या मैं खिलाऊं? सामने बोल रहा है खा लूंगा, खुद से खिलाना पड़ता है। हाउ ओल्ड आर यू? 6 ईयर। तो फिर क्यों नहीं खाते हो? नहीं खाएगा, अभी तक नहीं खाता, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो मैं खिला लेती हूँ इसको ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपको फिर एक बाद। तो अभी मैं ले आई अपने लिए भी ब्रेकफास्ट, रोटी और आलू का चोखा। तो खा लेती हूँ मैं फटाफट से, बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है, मिलती हूँ आपको नाश्ता करके। अभी मैं आ गई हूँ नहा के, तो लक्स को मैंने सुबह ही नहला दिया था, तो अभी पूजा नहीं की है। फटाफट से मैं पूजा करती हूँ झाड़ू पोछा करके। गाइस को मुझे दिखा मेरे पीठ पे, आज है दिन मंडे, तो मंडे है गाइस, तो आज है पूजा टाइम, तो पूजा टाइम जब तक सिंदूर नहीं, जब तक सिंदूर नहीं लगता है तब तक चेहरा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी पूरा अब देखिए गाइस, मेरा पुराना बेड जब स्कूल में पहना था, अभी टॉवल इधर ही पड़ा हुआ बेड में, तो उसको मैं रख के आती हूँ। देखिए अभी पूरी रेडी हो गई मैं, तो आपको दिखाती हूँ। रात को मैं बाजार गई थी, क्या क्या लेके आई हूँ बाजार से शॉपिंग। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, चीज़ें थोड़ी सी है, इतने से थैले में आ गई लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए रात को। तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, मिलते हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी दिन के खाने का भी कुछ सोचा नहीं है, तो देखती हूँ किचन में दाल वाल डालती हूँ कुछ। तो इयर रिंग परसों के डाले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं तो इसीलिए मैंने डाले रखे, हर टाइम गोल्ड गोल्ड गोल्ड, तो कभी कभी ऐसे भी पहनने चाहिए। मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ दाल, तो दाल है सोयाबीन और उड़द, ब्लैक उड़द की दाल, इसको मिक्स बनाएंगे। तो इतनी क्वांटिटी में डाली मैंने, ज़्यादा नहीं डालनी है ताकि वेस्टेज ना जाए, एक कटोरी भर की हम तीनों को बहुत होती है। तो यहाँ पर चल रही है मेरी वॉशिंग मशीन कपड़े डाले हुए धोने के लिए। फटाफट से दाल डाल लेती हूँ पकने को, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
अभी मैंने जो है गाइस पूजा कर ली है, तो इधर ये पास में मंदिर है शिव जी का, तो उसमें हम लोग जाके आते हैं। वैसे आज मंडे है तो पास में ये मंदिर, तो उसमें मैं जाके आती हूँ, मिलती हूँ आपको मैं मंदिर के बाहर। तो अभी हम पहुँच गए थे मंदिर के पास में, तो मैं आगे आगे आ गई थी और ये पीछे पीछे। तो आज मंडे भी था तो हम मंदिर चले गए, पास में ही तो है। तो आप लोग भी कर लीजिए भोले जी के दर्शन, सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। ओ आयो उधर तोड़ के, आगे वाला तोड़ो, ठीक है एक ही ले आओ आराम से, बस एक ही बहुत है बहुत। तो गाइस अभी मैं आ गई थी मंदिर से और मैं बना रही थी दिन का खाना। दाल को मैं तड़का लगा रही थी, प्याज को मैं चॉप करती हूँ और टमाटर को ग्राइंड करती हूँ। ऐसे बनानी चाहिए दाल, तो बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी बनाना। ऐसे सिंपल पैन में तड़का लगाने से अच्छी नहीं बनती है। सोयाबीन की दाल और उड़द दाल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सलाद काट के रख दिया है, प्याज को पानी में डाल दिया ताकि इसकी जो है मिर्ची कम हो जाए। और यहाँ प्याज बहुत दिनों के बाद फिर से बनाए हिमाचली रेडू, तो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे मेरी दाल बनके बिल्कुल तैयार है। फोन की लाइट पता नहीं कैसी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट की दाल, उड़द की दाल और सोयाबीन की दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी हम जो है कर रहे हैं लंच, एकदम टेस्टी टेस्टी दाल। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको ट्यूशन छोड़ने, टाइम हो रहा है 4:30, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको बताऊंगी मैं बाजार गई और मैंने क्या क्या वहाँ पे शॉपिंग किया। तो फर्स्ट ये है मेरा कलेक्शन शिवाजी नगर का, बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये है इसके इयररिंग्स, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं मुझे तो, और आपको कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है, एक और बताती हूँ मैं आपको, लेकिन वो गोल्ड में नहीं है, सिल्वर में है। तो फर्स्ट जो है ये, ये है, ये भी ऐसे साड़ी के साथ आप वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ, सूट के साथ, तो अच्छा लगेगा। देखिए तो एक ये लेके आई हूँ मैं, देखा आपको, बहुत ही सुंदर हैंडमेड रहते हैं ये राजस्थान के। तो अभी मैं और दिखाती हूँ आपको, सेकंड है ये, देखिए जैसे आप कहीं जा रहे हो जीन्स पहनना हो साड़ी पहनना हो तो अच्छा लगता है, देखिए ऐसे। तो ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये चोकर है, इसको आप ऐसे वेयर कर सकते हो। इनके साथ इयररिंग्स नहीं है, ये तीनों पड़े हैं मेरे को 400 के, तो वैसे तो मान नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से डिस्काउंट करवाया तब माने हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी ले नहीं पाई, लेकिन अभी लेके ही आई, इसके पापा बोले ठीक है चल ले ले, तो मैं लेके आई अच्छे से मन भर के। तो बताना आप लोग ज़रूर कि कैसा लगा मेरा ये सेट आपको, और मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में, क्योंकि लक्स को भी लेने जाना है ट्यूशन में, उसका भी टाइम हो गया है। और थोड़े से उसके कपड़े लेके आए थे, उनको भी दिखा लूँ क्या यूट्यूब में
यूट्यूबर बन गए तो दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए नाइट सूट है ये पजामों के साथ में ऐसे, तो अच्छे लग रहे थे तो हमने ले लिए ऐसे मस्त एकदम, कलर भी क्यूट क्यूट से। बच्चों के कलर वैसे भी बहुत प्यारे रहते हैं। और ये दूसरा है वाइट और ब्लैक, बहुत प्यारा। और हम कुछ भी नहीं लेके आए, एक मैं अपने लिए कुर्ती और ये ज्वेलरी बस। लेकिन इसी में टाइम लग गया 1 आवर, ज्यादा देर के लिए बाजार में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लेडीज लोग जो है, ये है मैरून कलर की 250 में, तो लेके आई हूँ। कैसे लगे बताना जरूर। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी मैं लेके आ गई हूँ इसको ट्यूशन से। तो गाइस मुझे ट्यूशन में बहुत मजा आया, लेकिन अभी एक पानी पी रहा हूँ। तो ले आई मैं इसको ट्यूशन से, अभी देती हूँ मैं इसको चाय पीने को। मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद।